साथियों जोहार, जय आदिवासी। बीते कुछ दिन पहले की जो घटना है, हमारे राजस्थान के जयपुर जिले के आभागढ़ दुर्ग पर जो कुछ असामाजिक लोगों द्वारा, जो आरएसएस और बजरंग दल के लोग, जिन्होंने इस आभागढ़ दुर्ग पर जो हमारे आदिवासियों का ऐतिहासिक विरासत है, जिस पर भगवा ध्वजा फहरा दिया था, जिसको लेकर के संपूर्ण आदिवासी समाज में भारी आक्रोश है, और इस दुर्ग पर इस प्रकार का भगवा ध्वज ये आदिवासी समाज कतई स्वीकार नहीं करता। और जैसा कि इस भगवा ध्वजा के फहराने के बाद में जो इनका उपदेश राणा, इनका जो लीडर है, वो हमारे आदिवासी समाज को चैलेंज करता है, तो हम भी आदिवासी युवा, हमारे आदिवासी समाज के स्वाभिमान और हमारे इतिहास और हमारे धरोहर को बचाने के लिए हम भी तुझे चैलेंज करते हैं कि भाई, हम हमारे बाप दादाओं की विरासत है, इस पर कतई आँच नहीं आने देंगे, क्योंकि उनके बलिदान की बदौलत ये विरासत बची हुई है। तो तुम्हारे इस प्रकार के जो घिनौने कृत्य जो हैं, जो आरएसएस और बजरंग दल, जो आपकी ऐसी एक संकीर्ण मानसिकता की वजह से हमारे समाज के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम आप करेंगे, तो हम जगह जगह के सभी आदिवासी एकजुट हैं और आपके खिलाफ हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसा कि अभी हमारे पूर्वी राजस्थान के भाइयों का जिस तरह से निर्णय लिया गया है और इनका आह्वान है कि 1 अगस्त के दिन इस किले पर सभी को कूच करना है, तो हम दक्षिणी राजस्थान के सभी आदिवासी भाई आपको आश्वस्त करते हैं कि हम पूरी तरह से आपके साथ में हैं, और ज़रूरत पर हम ज़रूर उस किले पर आएंगे। परंतु हमने यहाँ पे 28 जुलाई को सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालय पर ज्ञापन देने का हमने निर्णय लिया है, तो हम इस प्रकार के जो कृत्य करने वाले हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और हमारे धरोहर को सुरक्षित रखा जाए, इसको लेकर के हम जिला और ब्लॉक मुख्यालय पर ज्ञापन देंगे, और हम बिल्कुल आपके साथ में हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। इस देश और सभी राज्यों का आदिवासी एक है, और जहाँ जहाँ भी अन्याय होगा, वहाँ पे एकजुट होकर के लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ में मैं यहाँ मेरे दक्षिणी राजस्थान के सभी मेरे सोशल एक्टिविस्ट भाइयों को निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पूर्वी राजस्थान का जो मामला देखने को आ रहा है, उसी तरह से अपने इस क्षेत्र का भी, बेणेश्वर धाम है, नागफणी मोदर का मामला है, धुले माता का, जो धुले वापसी का जो मंदिर का मामला है, तो ऐसे कई जगह पर अपना भी यहाँ पे प्राचीन इतिहास है, तो इसको कहीं ना कहीं विलुप्त किया जा रहा है, तो इसको लेकर के भी हमें यहाँ सजग होने की ज़रूरत है, और इसको लेकर के हमें ज़रूरत पर हमें आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। धन्यवाद। जोहार।